पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई शिकायत नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। वही शोर, आवाजें, घर थाना थाना, घर घर थाना, रंडी मोर्चरी, भड़वे लाशें, आए दिन अपने कमीज से खून के धब्बों को धोता हूं। शिकायत नहीं है, पुलिस की नौकरी की है तो इतना तो होगा ही। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब, जैसे रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूं, दुनिया वही पुरानी है, चली जा रही है। तो मैंने सोचा ये जो जिंदगी की गाड़ी चल रही है, इसकी मैं चेन खींचता हूं और उतर जाता हूं। इसकी 3 वजह है। पहला, जो पिस्तौल हमें मिलती है उसकी गोली होती है 45 रुपए की, वो सरकारी होती है। तो मैंने सोचा साला अपना सुकून खरीदने के लिए मैं पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करूं। दूसरा, मेरा असिस्टेंट है मुन्ना, उसके घर कुछ रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से, नेक्स्ट डे होली थी, तो मैंने सोचा अगर मैं मर गया तो साला इसकी होली खराब हो जाएगी। तीसरा, जैसी वो पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पर लगी, मेरा ध्यान उस खिड़की की तरफ गया। मैंने खिड़की के बाहर देखा, एक बहुत ही खूबसूरत सा इंद्रधनुष बना हुआ था। मैंने सोचा इसको देखते तो नहीं मारा जा सकता। मैं उठा और खिड़की बंद करने चला गया। जैसे मैं खिड़की बंद करके आया, वापस लौटा, तो वो मोमेंट चला गया। उसके बाद मैंने अपनी जान नहीं ली।